करते हैं आपका केपीपीएन न्यूज में, आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। आइए चलते हैं इस वक्त की एक खास खबर की ओर। सपा कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल व गैस के दामों को लेकर किया रुदौली तहसील पर धरना प्रदर्शन। पंचायत चुनाव में सत्ता पक्ष की दबंगई व खरीद फरोख्त से चुनाव परिणाम को प्रभावित करने व बेलगाम महंगाई को लेकर गुरुवार को पूर्व विधायक सैयद अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां के नेतृत्व में तहसील परिसर में एक दिवसीय धरने के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी विपिन सिंह को दिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व पर प्रदेश के समस्त तहसील मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया था। सुबह 11 बजे हजारों की संख्या में पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार की तानाशाही व पंचायत चुनाव को दबंगई के बल पर प्रभावित करने को लेकर जमकर नारेबाजी की। पूर्व विधायक रुश्दी मियां ने उपजिलाधिकारी को 15 सूत्रीय ज्ञापन देकर प्रदेश सरकार पर पंचायत चुनाव में धांधली, पेट्रोल डीजल गैस जैसी आम जरूरत की वस्तुओं की महंगाई, किसान व मजदूरों की लगातार उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिलाष यादव ने बताया है कि प्रदेश में बढ़ती महंगाई को लेकर व चुनाव में जो प्रदेश सरकार ने तानाशाही की है, आज हम तमाम समाजवादी कार्यकर्ता रुदौली तहसील परिसर में इकट्ठा होकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। इस मौके पर मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष गंगा सिंह यादव, विधानसभा अध्यक्ष छोटेलाल, अतीक खान, मोहम्मद अली, आरिफ खान, पूर्व जिप सदस्य श्रीपाल रावत, नफीस खान आदि कई लोग मौजूद रहे। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर ये हम लोगों ने ज्ञापन का कार्यक्रम इसलिए रखा है, इसमें जैसे कि अभी जिला पंचायत और ब्लॉक चुनाव तो उसमें भाजपा सरकार द्वारा धन बल और अपनी मुंडई का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को उन्होंने ब्लॉकों में और जिला सीट पर बैठाया, तो इसके विरोध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया। और महंगाई को लेकर जैसे सिलेंडर कितने रुपये में था, आज के डेट में कितने पेट्रोल डीजल, महंगाई और भ्रष्टाचार और ये जो गुंडई है, इसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। चलिए राज्यपाल महोदय को SGM द्वारा भेजा जाएगा और उसके बाद उम्मीद यही है कि कुछ ना कुछ कार्रवाई। यदि कोई कार्रवाई नहीं होती तो अगला स्टेप क्या होगा आप लोगों का? अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो समाजवादी लोग पूरे दल बल के साथ धन्यवाद। क्या नाम है आपका? देश में जिस प्रकार से लोकतंत्र की गला घोटने का काम किया गया और जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया गया, निश्चित तौर पर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। देश की आज़ादी के बाद से ये देश भारत के संविधान के अनुरूप चलाने का जो प्रयास था और जिसके लिए न जाने कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, आज उस भारत के संविधान की मूल धारणा को ही समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर देश में संवैधानिक व्यवस्थाओं को घात पहुंचता है तो आज नहीं कल इसका नुकसान सीधे तौर पर उनको भी होगा। हम इसका खंडन करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। जिस प्रकार से प्रशासन के दम पर समाजवादी पार्टी के लोगों को नामांकन और चुनाव लड़ने से रोकने का काम किया गया है, निश्चित तौर पर ये बहुत ही निंदनीय है। आज इस संबंध कितने सूत्रीय मांगों पर सर ये ज्ञापन सौंपा गया? 15 सूत्रीय मांगों को लेकर के समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन किया और समाजवादी पार्टी महामहिम राज्यपाल से ये मांग करती है कि हर उस ब्लॉक में और जिले में जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जबरन नामांकन करने से रोकने का काम किया गया है, उन सभी जगहों पर चुनाव रद्द कर पुनः चुनाव कराने का काम किया जाए।